फिर से आपके सामने आया हूँ और क्लास टेंथ के लिए आया हूँ कि पहला एक्सरसाइज वो लोग शुरू कर नहीं पा रहे हैं, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा जो थ्योरम है उस हिसाब से क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आगे का जो है क्लास टेंथ के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो समझे ये एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट करना है और ये थ्योरम क्या है उस बारे में जानकारी के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो आ जाते हैं डायरेक्ट टॉपिक पर। तो टॉपिक ये है, क्लास टेंथ के लिए है, रियल नंबर हमारा चैप्टर है। हम जो पढ़ेंगे पहला थ्योरम वो क्या है, इक्लुइड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो ये इक्लुइड डिवीजन लेमा है क्या, ये क्लास टेंथ के लिए बहुत ज्यादा बड़ा लगता है मगर ये उतना है नहीं, ये हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, अभी इसका नाम चेंज होके इक्लुइड डिवीजन लेमा या एल्गोरिदम यूज किया जाता है। ठीक है, चीज बहुत इजी है, वही छोटा सा ही चीज है जो हमने पहले भी किया था। क्या किया था देखो, अगर कोई रैशनल नंबर ए बी फॉर्म में रहे या पी वाई क्यू फॉर्म में रहे तो हम उसको क्या करते हैं, जो नीचे है उससे डिवाइड करते हैं, ए को बीच में रखते हैं। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होगा, सम कोटिएंट, इसे कहा जाता है डिवाइजर, इसे कहा जाता है डिविडेंड। आंसर जो निकलता है उसे कहते हैं कोटिएंट, और जो अगर लास्ट में रह जाए उसे कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहा जाता है, रिमाइंडर। तो ये डिवाइजर से डिविडेंड को अगर डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, हमारा कोटिएंट एंड सम रिमाइंडर आएगा, अगर रैशनल नंबर ए बाई बी फॉर्म में हो। तो हमने बचपन में कभी ट्राई किया है कि नहीं किया पता नहीं, मगर बहुत बच्चे ट्राई करते हैं, मेरा आंसर सही है कि नहीं, इस डिविडेंड जो होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे प्लस, कई बार रिमाइंडर क्या होता है, जीरो होता है, तो क्या कहते हैं, इन दोनों को इंटू करने से ही हमारा डिविडेंड आ जाता है, मतलब डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट। यही चीज है क्या, ए मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट। इंटू क्या है, इस दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, ये दोनों को अगर इंटू कर दिया जाए प्लस, रिमाइंडर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसको अगर प्लस कर दिया जाए तो डिविडेंड का वैल्यू आ जाएगा, मतलब ए का वैल्यू आ जाएगा जो बीच में है। ठीक है, ये हमने बचपन में किए हैं, मगर ये जो नया आया है इसी को ही कह रहे हैं इक्लुइड डिविजन लेमा या इक्लुइड डिविजन एल्गोरिदम। ठीक है, यही नया थ्योरम बोल के हम इस क्लास में पढ़ेंगे, मगर यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन डाल रखा है, जो कंडीशन सिंपल है, क्या है, ये जो आर रिमाइंडर जो होता है ये ग्रेटर लेस देन इक्वल टू का साइन है, मतलब जीरो से छोटा नहीं होगा, आर बड़ा होगा, आर क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, जीरो से, बराबर का साइन भी दे रखा, मतलब आर जीरो भी हो सकता है, तो आर क्या है, जीरो या क्या कहते हैं, जीरो से बड़ा ही होगा, उससे छोटा नहीं होगा, मतलब सीधी सी बात, जीरो से कम नेगेटिव्स में नहीं आएंगे रिमाइंडर, कभी भी डिवाइड करने से माइनस में आता है रिमाइंडर, नहीं आता, इसका मतलब क्या, रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है, रिमाइंडर जीरो से ज्यादा, वन टू थ्री फोर फाइव जितना हो सकता है, मगर ये आर जो है, ये आर जो है वो छोटा होगा बी से, ये आर क्या होगा, छोटा होगा बी से, छोटा होगा बी से मतलब ये जो बी है अगर इससे बड़ा होता तो फिर तो और डिवाइड हो जाता, डिवाइड नहीं हुआ इसलिए तो रिमाइंडर बचा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बी है वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, आर से, मतलब आर छोटा होगा देन बी से। ये पूरा चीज हमें इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा एल्गोरिथम थ्योरम बताता है। इसका एग्जांपल लेके समझते हैं सिंपली, सोच लो एक रैशनल नंबर 23/7 है, 23/7 अगर रैशनल नंबर है तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 23 ये 7 से, ये हमारा डिवाइजर, ये डिविडेंड, तो 7 3 21 रिमाइंडर आता है 2। अगर ये रिमाइंडर है, ये क्वोटिएंट है, ये डिवाइजर है, तो फिर इसका मतलब क्या, डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर आ जाएगा क्या, हमारा डिविडेंड, यही तो ये डिविडेंड वही लिखा है मैंने, क्या था ये डिविडेंड जो हमारा ए था, ये क्या था जो हम डिवाइड कर रहे थे, डिवाइजर जो हमारा बी था, जो आंसर निकल के आ रहा था वो क्या था, क्यू था, और जो लास्ट में बच गया रिमाइंडर वो आर था, मतलब क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर
हमारा आंसर 23 है, जैसे 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 23, तो ये हमारा प्रूफ करता है। और ये जो 2 है ये 0 से बड़ा है, बराबर भी हो सकता है मगर 0 से बड़ा है, और ये 2 7 से छोटा भी है, तो वो जो कंडीशन मैंने जो बताया था अभी यहाँ पे उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्विलेट डिविजन लेमा, तो इसके हिसाब से पूरा एक्सरसाइज है 1.1, उसमें से मैं पहला क्वेश्चन जो कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। मैंने क्या किया, फाइंड द एचसीएफ, एक एचसीएफ निकालना है, दो नंबर दिया गया। हम लोगों ने बचपन में क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया है, उनके जितने सारे फैक्टर्स हैं वो कॉमन लिए, जो जो कॉमन कॉमन थे उसको लिख लिया और उसको इंटू कर दिया, तो हमारा हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से एचसीएफ निकालना। मगर यही चीज इक्विलेट डिविजन लेमा, मतलब इस थ्योरम से कैसे करेंगे, इस थ्योरम से करना बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो डिवाइड हम करते हैं उस हिसाब से, ठीक है। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्या यूज करेंगे, इक्विलेट डिविजन लेमा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको अंदर रखेंगे और जो छोटा नंबर है उसे बाहर रखेंगे। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर ये है क्योंकि ये 12,576 है और ये क्या है, खाली 4,052 है, तो ये बड़ा है, बड़े को मैंने क्या किया, अंदर डाला, बड़े को अंदर डाला और छोटे को बाहर डाला, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे, बेटर है डिवाइड तुम लोग रफ में ही ये फेयरली करना, और क्या कहते हैं, कैलकुलेशन कैलकुलेटर में मत करना, अभी से अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तभी कैलकुलेशन फास्ट होगा, ठीक है। कोशिश करना थोड़ा रफ ज्यादा हो, थोड़ी देर बाद देखना ये बहुत इजी हो जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ये वाला, मैंने बड़े वाले को क्या किया, अंदर डाला, छोटे वाले को बाहर डाला। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो मैंने रफली चेक किया, 1 से भी चेक किया, 2 से भी चेक किया, 3 से चेक किया तो पास पास आया, 4 से चेक किया तो इससे बढ़ गया, तो 4 नहीं लेंगे 3 लेंगे, 3 से इतना करेंगे तो रिमाइंडर इतना है, यहां तक हम डिवाइड सीख गए, ओके। मगर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ये जो है नंबर इसको वापस यहां पुट करेंगे, जिससे मैंने डिवाइड किया था वो डिविडेंड चला गया, मतलब जो हमारा डिवाइजर था वो हो गया डिविड, बीच में आ जाएगा। तो इसको इससे जैसे डिवाइड करेंगे, फिर से 9 से किया, इतना रिमाइंडर आया। अब वापस मैं क्या करूंगा, ये जो था इसको वापस, जो डिवाइजर था वो डिविडेंड, रिमाइंडर आने के बाद अब रिमाइंडर से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो भी था 272 × 1, आंसर कितना आया 272, माइनस किया रिमाइंडर आया 148। अब 148, अब मैंने क्या बोला था, ये जो क्या कहते हैं जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो वापस यहाँ पे अंदर घुस जाएगा डिविडेंड के अंदर, फिर उससे डिवाइड करेंगे, फिर 1 से किया 148, माइनस किया रिमाइंडर आया कितना 124, फिर वापस इसको घुसा के इधर लेके आया, फिर इससे डिवाइड किया 1 जा 24, फिर ये जो था पार्ट इसको वापस घुसा के इधर लेके आया, फिर 24 5 जा 120, यहाँ पे माइनस किया तो 4 बचा, फिर यहाँ से 4 6 जा 24 0। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, क्या ना आ जाए, 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये इसके अंदर करते रहेंगे, जब 0 आ जाएगा जिससे मैंने डिवाइड किया था लास्ट, ये हमारा एचसीएफ हो जाता है 4, ये क्या हो जाता है एचसीएफ 4। मगर ये जो प्रोसेस है, तुम लिखो या ना लिखो उससे कोई लेना देना नहीं है, इसके ऊपर मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको इक्विलेट डिविजन लेमा के हिसाब से इस चीज को लिखना पड़ेगा। क्या था हमारा इक्विलेट डिविजन लेमा, यूजिंग इक्विलेट डिविजन लेमा हमारा क्या था, सबसे पहले फॉर्मूला था जो ए है बी इंटू क्यू प्लस आर फॉर्म में होना चाहिए, तो बी ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पे ए कौन था पहला वाला 1 2 5 7 6, तो यहाँ पे क्या है, ए है 1 2 5 7 6 इज इक्वल टू ये इंटू ये प्लस ये रिमाइंडर था, तो 5 0 4 0 5 2 × 3 प्लस रिमाइंडर 420। इसी तरीके से जितने सारे हमने डिवाइड किए हैं थोरोली धीरे धीरे लिखना है, कैसे मैं लिख के दिखा रहा हूं तुम लोग देख लो, 4052 जो अंदर था 420 × 9
रिमाइंडर बचा कितना 272। अब जो क्या कहते हैं अंदर था 400 क्या है 20 अंदर इज इक्वल टू इन दोनों का इंटू 272 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आया था 148। ये रिमाइंडर आया था 148। अब अंदर कौन है 272 किससे इंटू किया था 148 इंटू 1 रिमाइंडर आया था कितना 124। अब आया 148 अंदर था तो किससे इंटू किया 124 इंटू 1 प्लस 24 ये आया। फिर क्या आया अब बचा कौन 124 ये किससे किया 24 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर कितना आया 4। अब लास्ट साइड से 24 वो किससे आया 4 इंटू 6 प्लस 0। ये जो लास्ट में प्लस 0 रिमाइंडर आया है 24 से किया ये बड़ वैसे ही जो फॉर्मूला था इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हर कोई ऐसा है बी इंटू क्यू बी इंटू क्यू बी क्यू इंटू क्यू प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर आर जब जीरो आया तो जिससे मैंने डिवाइड किया था तो ये वाला पार्ट डिवाइजर ये आंसर होगा तभी हम नीचे लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 4। ये मेरा आंसर है इसके ऊपर ही आपको मार्क्स मिलेंगे इसके ऊपर नहीं। ये तुम लिखो ना लिखो उसके ऊपर डिपेंड नहीं है लिख भी सकते हो कोई गलत नहीं है पेज तुम लोगों का खर्च नहीं होने वाला और आंसर सीट में भी ये लिखना और ये क्वेश्चन आता भी है बीच बीच में बोर्ड में तो बेटर है ये लिखना लिखने के बाद ये लिखना इसी के ऊपर मार्क्स मिलेगा तभी आपका HCF निकलेगा ठीक है। ये मैंने पहला क्वेश्चन का एग्जाम्पल बताया एग्जाम्पल से रिलेटेड ठीक है। अब यही क्वेश्चन देखना बुक में है पहला ही क्वेश्चन वो तो करोगे ही करोगे साथ साथ अगर तुम लोगों के पास रिफ्रेशर है या अदर कोई क्वेश्चन नेट से निकालते हो तो वहां से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन धीरे धीरे मैं बताऊंगा। ये पहला क्वेश्चन बताया नेक्स्ट जो वीडियो बना के दूंगा मैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ठीक है। तो अपने घर में रहिए सेफ रहिए धन्यवाद।